हाय गाइस, क्या हालचाल है। इस वीवो ने एक न्यू मोबाइल लॉन्च होने वाला है इंडिया मार्केट में। जो मॉडल है वीवो की Y78 Plus, इस मोबाइल का लॉन्चिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं थी गाइस, अब कंफर्म हो चुका है। तो इंडिया मार्केट में इस मोबाइल का प्राइस क्या होने वाला है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं थी, वो भी कंफर्म हो चुका है। वीडियो में गाइस इस मोबाइल का फुल रिव्यू करेंगे। अब गाइस एक काम करना गाइस, आप लास्ट तक जरूर वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहे ना, क्योंकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। इस मोबाइल पे गाइस आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेंगे, नया फीचर्स, नया सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे गाइस गारंटी के साथ। जो मोबाइल आने वाला है इंडिया मार्केट में वीवो Y78 Plus, तो इसका लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं थी इंडिया में, तो अभी कंफर्म हो चुका है। इंडिया लॉन्चिंग डेट इसकी है 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 2023 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट लॉन्चिंग डेट है गाइस, तो कम ज्यादा हो सकता ही है। इसका जो प्राइस है, प्राइस भी कंफर्म हो चुका है, बट इस पे भी एक्सपेक्टेड 18,000 से लेके 22,000 तक आप इसका प्राइस रखा है, तो एक्सपेक्ट ये प्राइस है, तो कम ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक यही है गाइस, कंफर्म है। फास्ट फोकस करते हैं इसकी बॉडी पे। तो इस पे बॉडी पे आपको जो बॉडी ऑयड रखा है, बहुत ही लाइट ऑयड रखा है, 177 ग्राम इसकी बॉडी ऑयड है। तो थिकनेस की बात करूं, बहुत ही ज्यादा थिकनेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 7.8 mm थिकनेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस फोन की। तो बहुत ही लाइट ऑयड है, बहुत ही थिकनेस पे बहुत ही इंक्रूज किया है वीवो वालों ने, तो बहुत ही स्मार्ट मोबाइल आप देख सकते हैं। ये जो मोबाइल है Y70 Plus जो मोबाइल है, बहुत ही लाइट ऑयड के साथ आया है। तो सेकंड बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इस पे आपको एमोलेड भी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। वीवो वालों ने तक जो डिस्प्ले यूज किया है, ऑलमोस्ट एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मोबाइल पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगे। तो डिस्प्ले की साइज जो है बहुत किया हुआ है, तो डिस्प्ले की जो साइज आपको रखा है 6.78 इंच का आपको डिस्प्ले की साइज देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इसकी पिक्सल की जो रेट है, 80 से लेके 2400 आपको इसके पिक्सल की रेट जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो डिस्प्ले यूज किया है, तो इसका जो रिफ्लेक्स रेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 120 ग्रास इसका रिफ्लेक्स रेट है। और इस पे आपको डिस्प्ले जो यूज किया है, 5 और डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रेडमी GT Neo 5 के जो डिस्प्ले यूज किया है, 5 और डिस्प्ले, तो सेम डिस्प्ले इस मोबाइल के आपको यूज किया है। तो ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले से वीडियो देखने के लिए बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्ले की कोई अलग से एक फील है। अलग तो ब्राइटनेस यूनिट है, 100 ब्राइटनेस यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका जो बॉडी टू स्किन रेट है, स्किन टू बॉडी रेटिंग आपको 93.3% देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस इस पे आपको 8K सपोर्टेड वीडियो देख सकते हैं, हाई क्वालिटी हाई रेगुलेशन के साथ आप वीडियो देख सकते हैं इस डिस्प्ले। और गाइस इसके जो एंड्रॉइड की जो वर्जन यूज किया है, V13 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सर इस पे जो यूज किया है, स्नैपड्रैगन की 695 2.2 GHz की प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है ऑक्टा कोर की प्रोसेसर। तो बहुत ही यूजफुल प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, गेमिंग के लिए करने के लिए ये फोन बनाया गया है। गेमिंग वालों ने जो मोबाइल यूज करते हैं, उसकी प्रोसेसर थोड़ा हाई होना चाहिए, इसलिए इस मोबाइल के प्रोसेसर थोड़ा हाई दिया हुआ है। गेमिंग के लिए, ब्लॉग के लिए, वीडियो के लिए मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप ये मोबाइल यूज कर सकते हैं। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, स्पीच बहुत ही फास्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके साथ इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 60 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए इस फोन हैंग होने की, लैग होने की, स्लो होने की नाम ही नहीं लेंगे, बहुत ही फास्ट चलेगी। तो इस पे जो रैम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 8GB RAM आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ स्टोरेज जो है, 128GB storage आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस इस फोन की जो नेगेटिव साइड है, जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो चीज़ जान लेते हैं। तो फास्ट जो है, इस पे आपको मेमोरी कार्ड नॉट सपोर्टेड, आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते, नो वाटर प्रूफ है। तो आप इस मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है, 5G ऑडियो जो जैग होती है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसकी कैमरा की, तो आपको बैक साइड पे 2 देखने के लिए मिल जाएंगे। जो फास्ट जो कैमरा आती है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड जो कैमरा आती है 2 मेगापिक्सल का। बैक साइड पे आपको 2 कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है 10x डिजिटल जूम ले सकते हैं बैक कैमरा से, आसानी से आप 10x तक जूम ले सकते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरा यूज किया है। इसके साथ गाइस जो आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, टास्क टू फोकस का फीचर्स देखने मिल जाएंगे, ऑटो फ्लैश का फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, फेस डेडिकेशन फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ गाइस इस बैक कैमरा से आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको सिंगल LED फ्लैश देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं, आपको सिंगल मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आप HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से।
इस बैक कैमरा से आप जो 8K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसका जो पिक्सल आप देख सकते हैं 920 से लेके 1080 तक आप पिक्सल देख सकते हैं, जो इसका फ्रेम रेट है 30 FPS आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ गाइस इस कैमरा पे जो सेंसर यूज किया है तो खास करके आपको इस पे आपको एक सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। बैक साइड पे जो कैमरा है जो सेंसर यूज किया है CMOS इमेज सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बैक कैमरा के आपको HDR का फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी 5G सपोर्ट की तो इंडिया की जो 4G 5G सपोर्टेड है दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस ऑडियो के लिए गाइस ऑडियो आपको USB टाइप सी जैक देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस लॉक परफॉर्मेंस की मैं बात करूं इस पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने के लिए मिल जाएंगे, जो है सेंसर डिस्प्ले के ऊपर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं 5000 mAh की इस पे आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाएंगे। इस 5000 mAh बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए क्विक चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो 4W का फास्ट चार्जिंग एडोप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट ये जो प्राइस रखा है प्राइस के हिसाब से बहुत ही हाई परफॉर्मेंस दिया हुआ है, हाई क्वालिटी किया है, हाई बॉडी मेंटेन यूज किया है, जो फीचर्स यूज किया है बहुत ही सेंसर इस पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस इसके साथ और 5 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस फोन के अंदर। तो गाइस तो मेरे ख्याल से ये जो मोबाइल का प्राइस रखा है प्राइस के हिसाब से इसका जो मटेरियल यूज किया है, इसका जो फीचर्स, इसका जो बॉडी, इसका जो डिजाइन सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लो बजट के अंडर आप मोबाइल लेना चाहते हैं जरूर इस मोबाइल को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा डिजाइन भी है, हाई क्वालिटी कैमरा भी है, ऑलमोस्ट आपका वैल्यू फॉर मनी जो मोबाइल होती है तो ये आपके लिए बेस्ट होगी वैल्यू फॉर मनी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना, आपकी कुछ जानकारी छूट जाए तो जरूर मुझे करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय।